हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हमारे वेदों में शास्त्रों में केदार भूमि की क्या महत्ता है। वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को, वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को। वैसी विपदा इस गली में हमारा आवास हुआ करता था। आइए देखें क्या स्थिति है हमारे। हमारा आवास रहा करता था जो लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। ये हमारे कमरे, इन्हीं कमरों में हम ठहरे हुए थे, बिल्कुल सुरक्षित है भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा। लेकिन इधर देखिए, जहाँ एक छोटी सी जलधारा हुआ करती थी वहाँ कितनी बड़ी जलधारा हो गई है। ये वो कुंड जहाँ ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव बोलते ही बुलबुले उठा करते थे, आधा मलबे में दबा हुआ वहाँ तक ये रास्ता जाता था। लेकिन ये रास्ता यहीं से टूट गया और बीच में मंदाकिनी जो भगवान केदारनाथ की दाहिनी ओर बहती थी, अब बाईं ओर सरस्वती के साथ में या स्वर्ग द्वार गंगा के साथ में बह रही है। जिधर देखो उधर तबाही तबाही के निशान। जिस रेतस कुंड पर हम चाहते हुए भी नहीं जा पाए थे, रास्ते सारे के सारे टूटे हुए तहस नहस थे।
2014 में हम रेतस कुंड पर आए, देखिए आप भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2013 के विभत्स दृश्यों के बाद में आइए हर हर महादेव का अवलोकन करें। जय हो गोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव। निकल रहा जो मैं बुलबुला भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कि हमें 2013 के भयंकर जल प्रलय के बाद में तुरंत बाद में हमें दर्शन दिए, और 2014 में भी ठीक साल भर बाद भी हमें दर्शन दिए। 2014 में हमने दर्शन पूजन अभिषेक से निवृत्त हुए, और अब आइए मंदिर के चतुर्दिक दृश्यों का अवलोकन करें। क्या स्थिति है 2013 और 14 में, क्या परिवर्तन आया है, विकास कार्यों की क्या स्थिति है, इसका पूरा जायजा अब हम लेंगे। आइए पूजा के बाद 2014 में कितना सुधार हुआ है, कितना विकास हुआ है। ये 2014 में अभी भी बिल्डिंगें टूटी हुई हमें नजर आ रही है। आइए साल भर पहले के जो दृश्य हमने देखे, और आपने भी इस वीडियो के माध्यम से जो साल भर पहले के 2013 के तबाही के विभत्स दृश्य देखे, उनको देख करके लगता ही नहीं था कि अगले 5-7 सालों तक भी केदारनाथ अपनी पूर्व स्थिति में आ पाएगा। विजय बहुगुणा जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि 5 साल तक केदारनाथ जी को भूल जाओ, लेकिन केंद्र सरकार ने जो सहायताएँ दी, जो सुविधाएँ उपलब्ध करवाई, ट्रैक्टर जैसे भी क्रेन आदि सुविधाएं, छोटी छोटी जो हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई, और उनके द्वारा जो काम में तेजी आई वो साफ दिख रही है, और बहुत तेजी से विकास हुआ। एक साल में इतना विकास हो गया कि उसे सामान्य से 4-5 गुना तो कहा ही जा सकता है। हर हर महादेव। जय केदार जी। ये ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है टुकड़ों में, यहाँ ला करके फिर जोड़ लिया गया। वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को, वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को, वैष्णवीपुता पड़ी है, वैष्णवीपुदान पड़ी है, स्वर्ग भी शमशान हुआ प्रभु। नीचे भैरवनाथ के दर्शन के लिए चल रहे हैं। भैरवनाथ जी का पहले बहुत अच्छा रोड हुआ करता था, लेकिन अब अभी तक भी मलबे में दबा पड़ा है। अधिकांश रोड टूट चुका है और मलबे के ऊपर से ही हमें गुजरना पड़ रहा है। भुकुंड भैरव के मध्य रास्ते से हमने देखा हेलीकॉप्टर का, हेलीपैड का निर्माण हो चुका है, और युद्ध स्तर पर विकास कार्य चल रहे हैं जो देखा जा सकता है। 2400 घंटे 12 महीने, यहाँ तक कि जब बर्फबारी हो जाती है उसके बाद भी ये कार्य चलता रहता है। धन्यवाद है इन मजदूरों को और इसमें लगे हुए पूरे प्रशासनिक अमले को।
लगातार बिना रुके बिना थके विकास कार्य हो रहे हैं। तबाही का विवत्स रूप अभी भी ज्यों का त्यों है। रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। ये वो भैरव जी जिनकी स्थापना 2012 में हुई थी, भैरव जी के स्थान पर हम पहुंच गए हैं। लेकिन भैरव जी की नई मूर्ति की स्थापना जो 2012 में हुई थी, उसका उत्सव को आपने केदारनाथ श्रावण आराधना में देखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप भैरवनाथ की स्थापना का उत्सव उस वीडियो में देख सकते हैं। हर हर महादेव। भैरव के स्थान से केदारपुरी का विहंगम दृश्य। जय केदारनाथ जी की। 2012 से पहले या 13 से पहले जो मुख्य एंट्रेंस हुआ करता था केदारपुरी का, आइए 2013 में हमने उसकी क्या स्थिति देखी थी, इसके बाद फिर बताएं आपको कि 2014 में जहां से 2013 से पहले एंट्रेंस होता था केदारपुरी में, उसकी 2014 में कैसी स्थिति है। जल लेने और स्नान के लिए जाया करते थे, वहाँ की क्या हाल के बाद कोई रास्ता नहीं बचा है। रास्ता जो केदारनाथ जी का मुख्य मार्ग हुआ करता था, उसकी ऐसी स्थिति है। शिव कुंड का कहीं नाम निशान नहीं। ये रास्ता बहुत गहराई में जा चुका है। आगे शिव कुंड की तरफ, गंगा मंदिर की तरफ बढ़ने का कोई चांस नहीं और वो लगता नहीं कि कुछ बचा होगा वहाँ। तेरह से पहले का प्रवेश द्वार केदारपुरी का 2014 में। ये केदारनाथ का पुराना प्रवेश मार्ग देखिए, यहां से ही कभी प्रवेश किया जाता था केदारनाथपुरी में। यहां गंगा जी का मंदिर भी था। आज ये अवशेष के रूप में केवल इतना सा रोड रह गया है, बाकी सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा। ये पुराना रास्ता इधर से आता था, वो मलबे से भरा पड़ा है। कभी ये प्रवेश का मुख्य मार्ग हुआ करता था केदारनाथ जी का, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है इसकी। चार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ, Yeah.
रास्ते अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाते हुए ये बोर्ड लगा दिए हैं ताकि मलबे यात्रियों को नज़र नहीं आए। रास्ता पक्का बना दिया है, ये जरूर है। प्रभु के द्वार में क्या हुआ? हमारे वेदों में, शास्त्रों में केदार भूमि की क्या महत्ता है? वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को। वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को। वैसी विपदा आ पड़ी है, ऐसी विपदा पड़ी है, स्वर्ग भी शमशान हुआ हे प्रभु केदार में क्या हुआ? एक बार परिचय दे दें, आप कहाँ से बता रहे? बकराउदा। क्या बात है, हम भी छोटा बूंदी से ही हैं। किस जगह का जाओ? मेरे भाई साहब रहते हैं अनंतपुरा कोटा में। अच्छा, मैं नैनवा। हाँ, नैनवा से रहने वाले हैं। हाँ, दही नैनवा। कब पता रहे? आज ही। हाँ, अच्छा कब, किस पोस्ट पे? इरिगेशन। अच्छा, तो इरिगेशन में पुरुषोत्तम जी हैं व्यास, जानते हैं उनको? मेरे भाई साहब हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है सर। क्या कह रहा है? भाई वाला पूरा दूसरा खोटी हम तो आए शिव चरण में दरस के उल्लास में। ओ हम तो आए शिव चरण में दरस के उल्लास में। काल बन कर आए गंगा, काल बन कर आई गंगा, काल बन कर आई गंगा, काल बन कर आई गंगा। प्रलय में सब कुछ बहा हे प्रभु के तार में क्या हुआ?
प्रकृति है पर में। आइए अब केदारनाथ से हमें नीचे उतरना है और चलते चलते आइए 2013 के कुछ अनदेखी दृश्य आपको दिखाते चलें जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाए होंगे। मंदिर के पीछे कहां तक कैसी तबाही आई, आइए देखते हैं। हर हर महादेव। मंदिर के भी कितनी ही बड़ी बड़ी चट्टाने अड़ी हुई है, इतनी सारी चट्टाने तो मंदिर के आ चुकी थी, लेकिन ये जो चट्टान आई इसने बाकी की आने वाली सभी चट्टानों को रोक लिया और मंदिर को बचा लिया। भगवती धारी देवी से प्रार्थना है कि शिला रूप में आकर के, और आपने जिस प्रकार से मंदिर की रक्षा की है वैसे ही संपूर्ण जगत की रक्षा करना। जय हो। दोनों तरफ और पूरा मुख्य बाजार नष्ट हो गया, लेकिन इस शिला के कारण मंदिर बचा रहा। समाधि स्थल का तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी की पुरानी मूर्ति, नई बड़ी मूर्ति जो स्थापित की थी उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन पुरानी मूर्ति मिल गई मलबे से, जिसे इस प्रकार यहाँ स्थापित किया गया है। बाकी चारों तरफ मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। जिस स्थान पर खड़े होकर के इस समय हम ये चित्र ले रहे हैं, उस स्थान पर ही पिछले वर्ष भी हमने चित्र लिए थे। आइए पिछले वर्ष की आंख से देखें शंकराचार्य का ये समाधि स्थल, कितना विशाल भवन, स्मृति भवन, जिसमें विशाल काय सभा मंडप था और बड़ी भारी बिल्डिंग थी, अनेक यात्रियों के ठहरने का अब दृश्य आ रहा है। पंक्ति लगी हुई है दर्शनार्थियों की, हर हर भम भम के घोष गूंज रहे हैं। इसी स्थल पर इस समय क्या स्थिति है ये भी हम देख रहे हैं, पिछले साल किस प्रकार की स्थिति थी। इस समय यहाँ बड़ी भारी भारी चट्टाने आई हुई है, पहचानने में नहीं आ रहा कि ये वही स्थान है। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश्वरी, हमने उसको ही हटाया, हमने उसको भी हटाया, जिससे जग रक्षित हुआ हे प्रभु बने, क्या हुआ और क्यों हुआ, हे प्रभु क्या हुआ और क्यों हुआ। उसी के साथ अतिथि गृह भी बनाया था, उनका कहीं भी कुछ पता नहीं, कहीं कोई निशान भी नहीं लग रहे कि यहाँ कभी शंकराचार्य समाधि स्थल हुआ करता था। बड़ी बड़ी चट्टानों ने हमारा रास्ता रोक लिया है, लेकिन फिर भी उस स्थान तक पहुँचने का प्रयास करेंगे जहाँ
माँ मंदाकिनी ने अपना रास्ता बदल करके केदारनाथ जी के दाएं से बाएं आ गई। मंदाकिनी का पूरा प्रवाह इस तरफ आ गया है, जबकि ये धारा स्वर्ग द्वारी गंगा या सरस्वती नदी इधर से उतरती थी, वहाँ तक हम पहले जाकर भी आए थे। स्वर्ग द्वारी तक ये यहाँ से उतरती थी, लेकिन ये मंदाकिनी में उतर करके और इस तरफ से भगवान केदारेश्वर के दाहिनी ओर होकर के और नीचे उतरती थी, लेकिन अब दाहिनी ओर कोई धारा नहीं है। दाहिनी ओर जो थोड़ा सा जल दिख रहा है वो ये मधुगंगा, और मधुगंगा का ही थोड़ा बहुत जल यहाँ से चल रहा है। इसके अलावा जो क्षीर गंगा या दूध गंगा यहाँ से उतरती है, इन दोनों धाराओं का जल ही केवल भगवान के दाहिनी ओर बह रहा है। मंदाकिनी पूरी तरह से भगवान के बाईं तरफ आ चुकी है। क्या हुआ सकते हैं कि केदारनाथ में मंदिर के अलावा सब कुछ बदल गया है। मंदाकिनी जो भगवान के दाहिनी ओर थी वो बाईं ओर आ गई। स्वर्ग द्वारी गंगा के साथ में बहते हुए और यहाँ का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यहाँ ऐसा दृश्य होगा। ये भगवान केदारेश्वर की पुरी का ये दृश्य, शमशान वासी आज शमशान में ही बैठे हैं, ये यहाँ चरित्रार्थ हो रहा है। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में ते ये वो उपकरण है जिनसे केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो रहा है। छोटे छोटे साधन, ये सब साधन विदेशों से आए हुए हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा ही, चापर के द्वारा ही इनको यहाँ लाया गया है। पोलारिस कंपनी को नाम पोलारिस थे सबको। देखिए कभी इतनी छोटी सी जेसीबी, ऐसा लगता है जैसे जेसीबी का खिलौना बना के रखा है, लेकिन यही जेसीबी यहाँ बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। ये भी हेलीकॉप्टर के द्वारा ही यहाँ लाई गई है। केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ।
प्रभु। हमें उतरते हुए रास्ते में उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मिला। देखिए इसकी मनोहर और बड़ी सुंदर सुंदर हरकतें। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी। देख बेटी उनकी हरकतें तो यूं नजर आ रही है। कौन सा पक्षी है? मुंजाल, मुनियाल, मुनियाल पक्षी है। हाँ, यहाँ का राज्य पक्षी है ना? हाँ, मुनियाल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मुनियाल। क्या बात है, घास खाता है? आइए चलते चलते 2013 के जो यात्री थे जिन्होंने अपने प्राण इस महामार्ग में खोए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें। आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। तार में क्या हुआ और क्यों हुआ, हे प्रभु आपकी इच्छा के बिना तिनका भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो हुआ आपकी ही इच्छा से हुआ होगा। जिन्होंने वहाँ दम तोड़ा है आपके रास्ते में निश्चित रूप से उनको शिवलोक मिल ही गया होगा। लेकिन हमारी तरफ से भी ये प्रार्थना है प्रभु, जो हुआ और जो भी होगा आपके आदेश से, जो हुआ और जो भी होगा आपके आदेश से, दिवंगतों को शरण देना, दिवंगतों को शरण देना, अब तो है बस ये दुआ, अब हे प्रभु इस प्रकार 2013 की महात्रासदी के बाद में 2014 की हमारी ये यात्रा पूर्ण हुई और 2013 और 14 की ये समीक्षा वीडियो आपको कैसी लगी कृपया अपने कमेंट्स में अवश्य बताएं। इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद देखने के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल DKV कथा यात्रा। हर हर महादेव। जय केदारेश्वर। जो हुआ वो तो हो गया, आगे के लिए आइए भोलेनाथ से मंगल कामना करें। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती कांत, मंगलम पार्वती कांत, मंगलम मंगलम यस्तनो
वृषभध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज ध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभ